हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ दीपा और आज की कॉन्सेप्ट वीडियो में बात करेंगे INDC के बारे में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। INDC यानी कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने की या इसको कम करने की बात की गई थी। 2016 में इसे इन्फोर्स किया गया। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड सारी नेगेटिव इम्पैक्ट्स के ऊपर फाइट करने की बात की गई। सारी ही एनवायरमेंटल जितने भी आपको एस्पेक्ट्स दिखती हैं अभी के टाइम पे, यानी कि ग्रीन हाउस गैस को एमिशन कर को कंट्रोल करना, पूरी तरीके से पोल्यूशन को कंट्रोल करना, एयर वाटर साउंड जितने भी तरीके की पोल्यूशंस होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना, इसी कॉन्सेप्ट को हम INDC के तौर पर देखते हैं। UNFCCC के द्वारा ये बाउंड किया गया था। अगर हम लेटेस्ट और अपडेटेड डेटा को देखें तो जो रिड्यूस करने की जो एमिशन रिड्यूस करने की जो बात की गई, जो इंटेंसिटी ऑफ GDP बाई 45% बाई 2030, तो 2030 तक ऐसा कहा गया कि 45% रिड्यूस करना है हमें। इंडिया अभी तक जो है इसके ऊपर वर्क करे जा रहे हैं और इसकी अगर ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सस्टेनेबिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना लाइफस्टाइल के ऊपर डेली बेसिस में, और कंजर्वेशन और मॉडिफिकेशन के ऊपर ध्यान देना। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच। चंबा बाई।